अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। 15 तारीख को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा के कोनन से एक लड़का उठाया था जिसका नाम अब्दुल रशीद डार था, जो कि कोनन का रहने वाला था। मिलिटेंसी केस में उसको क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया था, बाद में वो आर्मी कैंप से भाग गया। भागने के बाद अभी उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही हैं, लेकिन उसकी फैमिली की तरफ से और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बार बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफेम किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, है ना। इसमें एक नया अपडेट आज निकल के आ रहा है जो कि सोर्सेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन, एक लड़का है जिसका नाम है एजाज अहमद डार, जो कि करलपुरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है ना, जिसके बाप का नाम है मोहम्मद सुल्तान डार आर ओ कुनन। आज की डेट में 27/12/2022 को ये पता चला है कि एक सिम था जो इस लड़के के नाम पे निकला था, जो यूज कर रहा था जुबेर अहमद डार, जिसके बाप का नाम था बशीर डार, जो कि कुनन का रहने वाला था। ये लड़का ये सिम यूज कर रहा था। और अब्दुल रहूफ मलिक, जो कि दर्दसुन करलपुरा का रहने वाला है, जो कि वर्किंग करता है किसके लिए, हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। और एक बैंक अकाउंट था, है ना, एक बैंक अकाउंट नंबर था जो कि अब्दुल रऊफ मलिक के नाम पे था। और ये जो बैंक अकाउंट था, ये जो बैंक अकाउंट था, इसके साथ एक फोन नंबर लिंक था। जो फोन नंबर लिंक था वो सिम निकला था एजाज अहमद डार के नाम पे, जो कि टेरर फंडिंग के लिए अकाउंट यूज हो रहा था। ये सिम उस अकाउंट के साथ कनेक्टेड था। ये सोर्सेज के हवाले से आज एक खबर निकल के आ रही है। एजाज अहमद डार को जब उठाया गया, उसका सिम जुबेर अहमद डार यूज कर रहा था लास्ट, जिसके बाप का नाम बशीर डार है। बशीर डार और ये अब्दुल रशीद डार की सिस्टर का हस्बैंड था। और जो जुबेर डार सिम 3 सालों से यूज कर रहा था, ये 16 तारीख को अपने घर से, यानी के कपवाड़ा से भाग गया। फैमिली को जब सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा गया कि वो कहां गया, उसकी फैमिली का ये कहना था कि हमारा लड़का राजस्थान चला गया है। फैमिली के मुताबिक 16 तारीख को वो उनका लड़का राजस्थान में था और 15 तारीख की रात को अब्दुल रशीद डार को क्वेश्चनिंग के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया था। यानी कि उसके अगले ही दिन दूसरा लड़का अपने घर से फरार हो जाता है, जिसके बाप का नाम बशीर डार है। और बशीर डार, आपको बताते जाए, बशीर डार वही आदमी है एज पर सोर्सेज जो अभी अब्दुल रशीद डार की फैमिली को पिन कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भड़काने में, अभी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। करलपुरा का जो टेररिस्ट था, एक टेररिस्ट था पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट, जिसका नाम अब्दुल मलिक था, जो कि करलपुरा का रहने वाला था, 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब्दुल मलिक को एलिमिनेट कर दिया गया। और ये जो राशिद डार था, जो लड़का अभी लापता है, जो कि आर्मी की कस्टडी से भाग गया है, ये राशिद डार उसके साथ काम करता था। और जब अब्दुल मलिक, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट था, करलपुरा का रहने वाला था, जो 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एलिमिनेट कर दिया गया, जब वो मरा था, उस समय भी अब्दुल रशीद डार जो है, जो भी गुम हो गए, ये 6 महीनों के लिए घर से भाग गया था। एचएम का, हिजबुल मुजाहिदीन का एक और टेररिस्ट था जिसका नाम एजाज अहमद मलिक था, उर्फ सलमान फारसी, जब वो मारा था, तब भी अब्दुल रऊफ मलिक और अब्दुल रशीद डार को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था। और इसके बाद एज पर सोर्सेज ये स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में भी उठाया गया था अब्दुल रशीद डार को। और ये एक बंदे, और एक बंदे को उठाया गया था, एजाज परे, ये भी कोनन का है, जिसको 2019 में इसको उठाया था, इसके साथ अब्दुल रशीद डार काम करता था। उसके बाद 2020 में करलपुरा पुलिस स्टेशन ने इसको दोबारा उठाया था किसी ग्रेनेड रिकवरी केस में। अब बात को बताने का मतलब ये नहीं है कि हम ये लोग खुद ही तय कर दें कि अब्दुल रशीद डार जो है वो टेररिस्ट है, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। हम आप तक जो अभी ये थोड़ा बहुत हमारे पास सोर्सेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ये पहुंचा रहे थे, ये इसलिए पहुंचा रहे थे कि आप सब लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी इंडियन आर्मी को डिफेम ना कीजिए, बल्कि अब्दुल रशीद डार, जो कि आपने देख लिया इतने सारे केसेस में इन्वॉल्व था इससे पहले भी, तो उसके आगे भी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी जब वो मिल जाएगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अब्दुल रशीद डार को ढूंढिए। अब्दुल रशीद डार का फोटो हर जगह पे डाल दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जहां भी आपको अब्दुल रशीद डार मिले आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए और अब्दुल रशीद डार को पकड़ के आप सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्वेश्चनिंग करेगी दोबारा से, और लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। बाद में जो भी लीगल एक्शन होगा वो अब्दुल रशीद डार के खिलाफ लिया जाएगा। बाकी सब लोगों से निवेदन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफेम ना कीजिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात आप लोगों की सुरक्षा में लगी हैं।
जय हिंद।